अब देखो, मैंने लिखा रिस्ट्रिक्ट मेजॉरिटी चार्जेस ओनली, क्यों ऐसा लिखा? यहाँ पे देखते हैं, होल्स मेजॉरिटी पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन को पी टाइप में नहीं आने दे रहा है, होल्स इधर नहीं जा पा रहे, लेकिन सोचो माइनॉरिटी के लिए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसको एन टाइप में जाना है तो जाने देगा, बिकॉज एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जा सकते हैं। सिमिलरली ये होल्स ये पी टाइप में आ सकते हैं, तो ये बैरियर पोटेंशियल सिर्फ मेजॉरिटी चार्जेस को ही रिस्ट्रिक्ट करता है, माइनॉरिटी को नहीं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जब हम लोग इसका स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को, तो ये बात को ध्यान में रखना हमेशा, इट रिस्ट्रिक्ट ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू सिलिकॉन के लिए है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट। तो विच इज बेटर, सिलिकॉन और जर्मेनियम? तो आपको क्वेश्चन आएगा ये बैरियर पोटेंशियल हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? तो समझ लो यहाँ पे, जितना बैरियर पोटेंशियल हाई होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को पी टाइप में नहीं जाने देगा, होल्स को एन टाइप में नहीं जाने देगा। एंड हम लोग को ये पता है, जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड पे ट्रैवल करेंगे तो ही करंट फ्लो होगा। दैट मीन्स बैरियर पोटेंशियल अगर हाई हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये बैरियर पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो तुम लोग को आंसर आया होगा हाँ, तो जर्मेनियम बेटर है सिलिकॉन से, ठीक है। तो ये मूवमेंट पे हम लोग यही रखते हैं कि जर्मेनियम इज बेटर देन सिलिकॉन, बाद में डिस्कस करेंगे आगे और अगर जगह पे आएगा तो। अब ये बन गया मेरा पीएन जंक्शन डायोड, अब नाम के पास जाते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो पी टाइप एन टाइप, ये रहा पी टाइप एन टाइप जंक्शन, तो पी और एन के बीच में ये जो रीजन बन रहा है ये जंक्शन है, इसके लिए इसका नाम है जंक्शन। डायोड, तो डायोड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डाई एंड ओड्स, डाई मींस टू, तो इसके पास दो टर्मिनल्स है पी टाइप और एन टाइप, इसके लिए डाई। ओड्स तो स्टडी किया है केमिस्ट्री में, कैथोड एंड एनोड, तो यहां पे भी कैथोड एनोड है, एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कैथोड बन गया एक एनोड बन गया, इसके लिए इसका नाम है डायोड। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि डायोड क्यों बोला इसको। आगे बढ़ते हैं, बार बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, इसके लिए हम लोग ने एक सिंबल बना दिया इसका, सिंबल ऑफ डायोड। तो सिंबल ऑफ डायोड में है एक ट्राइंगल और एक लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा एन टाइप और दूसरा साइड बनेगा पी टाइप। अगर आपने इसको सिंबल को थोड़ा ध्यान से देखा तो ये एरो जैसा दिखता है, जो हमको स्कूल में बनाया था ऐसा हमने, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक ही डायरेक्शन यहां पे, तो ये भी एक एरो जैसा ही है, जिसमें ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन से पी से एन होगा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इसमें, और वो हम स्टडी करेंगे जब इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड।